हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बाथरूम की टाइल्स खुद लगाई हैं फ्लोरिंग की वीडियो दिखाते हुए, तो मैंने सोचा कि उसकी वीडियो भी आपसे शेयर कर लूं। तो मैं आपको बताती हूं कि इस पे बहुत ज़्यादा टाइल्स नहीं थी, सिर्फ जो सिंक है बेसन है उसके ऊपर जस्ट ये क्यूब सी बनी हुई थी टाइल्स की। तो खैर, मैंने वो रिमूव की है और उसके बाद मैंने टाइल्स लगाई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि कैसे लगाई हैं। वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बस जस्ट ट्राई करें। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और मैं बिल्कुल वीडियोस देख देख के ही यूट्यूब से तो मैं लगाती हूँ, चीज़ें चेंज करती हूँ। एनी हाउ, हर चीज़ रिमूव कर लें। उसके बाद मैंने ग्राउट जो की है वो मैंने फिलिंग और ग्राउट जो सेम टुगेदर होती हैं वही ली थी, ताकि फिलिंग भी मैं बाद में उसी से कर दूँ जिससे मैंने स्टिक की हैं। तो बकेट लिया और पहले मेरे पास स्पैचुला नहीं था, तो मैं जो प्रॉपर ये लगाने के लिए होता है तो मैंने स्क्रैपर से की जा रही थी। उससे भी हो तो जाता है, लेकिन इससे यह है कि आपकी थोड़ी सी सेव हो जाती है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो लाइंस में थोड़ा सा लगा देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी पड़ती। टाइल्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ ऊपर लगा के, तो वो स्टिक होती जा रही हैं। स्पेसर्स लाजमी यूज़ करें, उससे ये है कि प्रॉपर आपके प्रोफेशनल लुक आएगी। एक स्पेसर टाइल्स को बैलेंस करने के लिए होती हैं, क्योंकि मेरी बिल्कुल वैसी फ्लैट जगह थी और क्लीन थी, मैंने कुछ रिमूव तो किया नहीं था, उसकी मुझे इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो प्लस छोटा सा साइन बना होता है वो वाले मैं स्पेसर्स यूज़ कर रही हूँ, उससे ये है कि खुद ही वो स्पेसिंग भी करते जा रहे हैं और लेवल भी करते जा रहे हैं। किया मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था तो वो आया नहीं था और मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं इसको प्रॉपर चेंज कर दूँ, तो मैंने पहले ही लगानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ मुझे कट करके लगानी पड़ रही थी वो मैंने एंड पे लगा दी, लेकिन बाकी काम मैंने फिनिश कर दिया कि जैसे ही कट रहा है मैं कट करके प्रॉपर क्विकली कर दूँ, क्योंकि मुझसे वैसे ही वेट नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से, बस ईजी काम लग रहा था तो आई थॉट कि जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए।
मैं अपने अब स्पेसर्स निकाल रही हूँ क्योंकि ये ड्राई हो चुकी है प्रॉपर वॉल्स पे, एक दिन के लिए छोड़ दें इनको लगा के तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप क्योंकि फिर वो मूव नहीं होते, और स्पेसर्स निकाल लें और उसके बाद आपने अपनी फिलिंग करनी है, तो ये भी मैं स्पैचुला से ही की जा रही हूँ। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा स्पैचुला से रिमूव कर लें क्योंकि आपकी वेस्ट नहीं होती। तो बाकी ये कि कपड़े से मैं साफ़ करती गई हूँ, मुझे कोई प्रॉपर टूल्स का नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन मैंने आम किचन का जो कपड़ा होता है उससे पकड़ा है और पानी में डिप करके तो साफ़ करती जा रही हूँ। ये मैनुअल मैंने यूज़ किया, इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं की, इससे स्ट्रेट बहुत इजीली कट हो जाती हैं, कोई इशू नहीं होता। और बस अब जहाँ पे मिसिंग थी वहाँ मैं लगा रही हूँ और फिर कंप्लीट होने पे मैं आपको दिखाती हूँ। सो हैप्पी कि ये देखिए मेरी तक पॉलिश कर ली है, ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन लुक हो गई है। मैंने हाफ वॉल पे टाइल्स यूज़ किए हैं, ऊपर मैंने वॉलपेपर लगाया है। इनके मिडल्स में जो मैंने टाइल्स यूज़ किए हैं, मुझे नाम उनका भूल गया, आई थिंक मोज़ेक टाइल्स, तो वो सीज़र से उसके पीछे नेट था तो मैंने सीज़र से उसको कट करके छोटा कर लिया, मीन्स हाफ हाफ करती गई और उनकी स्पेस को मैंने ख़त्म करके तो अंदर फिलिंग कर दी है। वही सेम फीलिंग जो मैं टाइल्स में कर रही थी, ऊपर वॉलपेपर लगाया, सेम वॉलपेपर पूरे बाथरूम में लगाया, पर एक साइड को मैंने पेंट कर दिया ताकि वो थोड़े से डिफरेंट लुक दे। तो मीन्स वॉलपेपर जो है ये पेंटेबल था, तो मैंने वो वॉलपेपर पेंट करने वाला एक साइड पेंट की है और बाकी मैंने वाइट ऑफ वाइट जिसका कलर था वही रहने दिया।